नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, जियोजीत फाइनेंशियल्स इसके क्वार्टर फोर के नतीजे आ चुके हैं, वो मैं अपने सामने खोल के रखा हूँ पीडीएफ को। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको रिजल्ट की तरफ। तो देखिए, ये रिजल्ट है और डिविडेंड कंपनी ने भी दिया है। जी बिल्कुल दिया है। द बोर्ड हैज रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड ऑफ 3 रुपीज, इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 ईच फॉर द फाइनेंशियल 21 फॉर द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एट द एंसुइंग AGM. The dividend is approved by the number at the ensuing AGM will be disbursed to the eligible shareholder within 20 days from the conclusion. जैसे दोस्तों जब AGM meeting हो जाएगी, उस समय से 20 दिनों के अंदर आपको payment हो जाएगी। ठीक है, ये तो रही पहली चीज। अब दूसरी चीज ये है कि भाई साहब result कैसे रहे, main मुद्दा ये है। देखिए, देखते हैं जियोजीत फाइनेंशियल्स के result कैसे रहे। ये रहे result, लाखों में दिया है हमको इसको एकदम। हाँ, ऐसे करके केवल जो हमारी काम की चीजें हैं वही देखना है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा वो। तो देखिए, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इंटरेस्ट इनकम कितनी आई है। तो देखिए, लाख में है ये, तो 2 पॉइंट हमें इधर करना पड़ेगा। ये इधर पॉइंट है तो यहाँ ये कर दिए 19 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट इनकम है, जो पिछली बार लगभग यही फ्लैट है दोस्तों, ये भी 19 करोड़ है। रेंटल इनकम देखेंगे तो दोस्तों एक दो इधर हो जाएगी, 66,000 कर सकते हैं आप इसे, जो पिछला 65 थी, तो ये लगभग सेम है। फीस एंड कमीशन इनकम में आप देखिए तो ये 99 करोड़ है, जो पिछली बार 106 करोड़ थी। यानी जो फीस और कमीशन इनकम है उसमें गिरावट हुई है इस बार दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो अदर इनकम है, देखिए आप तो इस बार ये लगभग 45,000 रुपीज होगा। ठीक है, 45,000 रुपीज के हिसाब से दिया हुआ है, और जो पिछली बार 54,000, यानी इसमें थोड़ी कमी आई है। तो टोटल इनकम अगर आप देखेंगे नेट इसको हटा करके, तो ये होगा लगभग 123 करोड़, जो पिछली बार 129 करोड़ था। यानी दोस्तों रिजल्ट थोड़े से क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कम आए, और ये ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे तो भी फ्लैट से रिजल्ट है। यानी कुछ बहुत खास नहीं है, बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे ये गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे अगर हम चले और एक्सपेंसेस में नजर डालें, देखिए सबसे पहले फाइनेंशियल कॉस्ट की एक्सपेंस है, तो ये 1 करोड़ 94 लाख के आसपास की है, और ये 1 करोड़ 51 लाख की, यानी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो बढ़ी है। फीस और कमीशन एक्सपेंस है तो वो 17 करोड़ आई है, जो पिछली बार 19 करोड़ थी, इसमें 2 करोड़ की कमी आई है दोस्तों। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ये 35 करोड़ रहे इस बार, जो पिछली बार 37 करोड़ थे। यानी देखिए जो खर्चे है ना एक्सपेंस है, उसमें बहुत हद तक टाइट किया गया है। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस में नजर डालें हम तो ये आया है दोस्तों 15 करोड़ में, जो पिछली बार कितना था 12 करोड़। यानी जो भी यहाँ बचत हुई है सब अदर एक्सपेंसेस में चली गई। जो टोटल खर्चे निकल के आए हैं वो आए कितने दोस्तों, 77.19 करोड़, जो पिछली बार था 77 करोड़ और 43 लाख, यानी मोर और लेस सेम है। ठीक है, और हम अगर देखें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नजर डालें, ये सबको प्रॉफिट टैक्सेस ये सब करके, तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की जाती है दोस्तों 35 करोड़ 83 लाख रुपीज, जो पिछली बार थी 39 करोड़ 82 लाख। देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बढ़ा है, लेकिन लगभग अभी जो ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ा है वो भी फ्लैट है, लेकिन क्वार्टर में झटके जरूर लगे हैं दोस्तों। ठीक है, और यही कारण है कि अगर हम इसकी ईपीएस में एक बार नजर डालेंगे तो नीचे करते तो ईपीएस में नजर डालिए तो 1.46 रुपए हो गया है, जो पिछली बार क्वार्टर में था 1.73 रुपए। ठीक है, 1.63 रुपए थे और ये 1.46 रुपए थे। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईपीएस में बढ़ोतरी गिरावट आई है, यानी कि रिजल्ट सीरियसली अच्छे नहीं रहे दोस्तों। क्योंकि अगर ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो भी केवल फ्लैट से ही आपको नजर नहीं आएंगे, इसीलिए कल शायद तक आपको ये स्टॉक जरूर रिवर्ट दिखा सकता है। यदि एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।